कंप्यूटर पर काम करने के लिए माउस का इस्तेमाल हम सब करते हैं। स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या किसी आइकॉन को क्लिक करने के लिए माउस की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार यह जरूर सोचते होंगे कि एक छोटे से जानवर चूहे पर ही इसका नाम क्यों रखा गया, दुनिया भर में नाम माउस ही क्यों पड़ा। तो आइए जानते हैं, दरअसल माउस का इन्वेंशन किया गया था तो इसका नाम रखा गया था पॉइंटर डिवाइस। 1960 के दशक में डगलस कार्ल एंगेलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने दुनिया का पहला माउस लकड़ी का बनाया था जिसमें धातु के दो पहिए लगे थे। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन चल रही थी, वह दौर जब कंप्यूटर का साइज लगभग एक कमरे के बराबर होता। तो आइए बात करते हैं कि कंप्यूटर का नाम माउस ही क्यों रखा गया। दरअसल माउस के आविष्कार के बाद जब इसकी डिजाइनिंग की बात आई तो देखा गया कि माउस एक छोटा सा डिवाइस है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि चूहा दुबक कर बैठा हो। इसके पीछे से निकलने वाला वायर एकदम चूहे की। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।